दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट क्रांति होने वाली है। इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले अपडेट मेरे चैनल में मिलती है वन वेब। दोस्तों यहाँ पे टेलीसेट टाटा के साथ और अमेजोन का क्यूपोर और यहाँ पे बात करें इलोन मस्क की कंपनी दोस्तों स्टारलिंग है, सबके सब भारत में आना चाहते हैं। तो आज तीन बड़ी अपडेट निकल गई, दो अपडेट यहाँ पे स्टारलिंग की तरफ से और एक अपडेट है वन वेब की तरफ से। तो सोचा कि एक ही डेडिकेटेड वीडियो बना दूं जहां पर आपको पता चल जाएगा सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में क्या चल रहा है। तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। जैसे कि बताया कि सैटेलाइट इंटरनेट के अंदर मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें यहां पे हो रही है, सारी कंपनीज दावा कर रही है, लेकिन दो कंपनी सबसे आगे है। एक तरफ एयरटेल की दोस्तों वन वेब जो दावा करती है कि जल्द से जल्द भारत के अंदर हम यहां पे सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस दे देंगे, लेकिन दूसरी तरफ इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जो बहुत बहुत आगे की दोस्तों सोच रही है, बहुत ज्यादा सैटेलाइट छोड़ रही है, बहुत जल्दी भारत के अंदर अपनी सर्विस देंगे, उनकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। तो पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पे वन वेब की तरफ से क्या अपडेट आई है। तो वन वेब साइंस LOI दोस्तों इसको बोल सकते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट LOI दोस्तों इसको बोलते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट कजाकिस्तान दोस्तों घालम लोकली प्रोड्यूस्ड सेकेंड जेन सैटेलाइट कंपोनेंट दोस्तों कजाकिस्तान दोस्तों इस अफगानिस्तान के पास में, उनके साथ इन्होंने यहाँ पे एक LOI यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे मतलब MOU बोल सकते हैं इसको एक यहाँ पे साइन किया, जिसके हिसाब से फ्यूचर के अंदर जो सैटेलाइट्स बनने वाले यहाँ पे या जो सैटेलाइट बनेंगे उसके जो कंपोनेंट्स होंगे ये कजाकिस्तान में ही बनने वाले वन वेब के। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों जहाँ पे वन वेब यहाँ पे अब लोकल वेंडर्स के साथ और अलग अलग लोगों के साथ यहाँ पे टाई अप कर रहा है, जिससे इसका जो वन वेब के सैटेलाइट्स के कंपोनेंट्स होंगे वो लोकली बने और जिससे दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर यहाँ पे वन वेब अपनी सर्विसेज दे सके। वन वेब दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट 650 से 700 सैटेलाइट छोड़ने वाले, जिसमें ऑलमोस्ट आधे सैटेलाइट ये छोड़ चुका है, बाकी के सैटेलाइट्स ये हर वीक और हर महीने के अंदर यहाँ पे छोड़ता रहता है। और यहाँ पे इनका दावा है कि हम 2022 के स्टार्टिंग में या तो मिड तक भारत के अंदर अपनी सर्विसेज सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी जहाँ पे कजाकिस्तान में दोस्तों अभी अपना सेकेंड जेन सैटेलाइट कंपोनेंट जो होंगे यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे। दूसरी बड़ी अपडेट आई दोस्तों SpaceX की तरफ से, SpaceX स्क्रीन पे देख सकते हैं, SpaceX लॉन्चेस 53 स्टारलिंक सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट दोस्तों, यस 53 नए सैटेलाइट छोड़ दिए हैं। SpaceX एक्सपेंडेड द कंस्टेलेशन लो अर्थ ऑर्बिट जो यहाँ पे छोड़ते हैं दोस्तों, अर्थ के लोअर ऑर्बिट में यहाँ पे हजारों सैटेलाइट SpaceX छोड़ने वाला, जहाँ पे 53 नए सैटेलाइट यहाँ पे छोड़ दिए गए। SpaceX की बात को तो ऑलमोस्ट 20,000 सैटेलाइट्स दोस्तों छोड़ेगा, ऑलमोस्ट 20,000 सैटेलाइट्स अर्थ के लोअर ऑर्बिट में, मतलब सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स SpaceX ही छोड़ने वाला है। तो सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। और फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू दोस्तों यहाँ पे कैप कैनिवल दोस्तों स्पेस फोर्स स्टेशन है यहाँ पे ऑलमोस्ट पौने सुबह के 7:30 बजे यहाँ पे ईस्टर्न टाइमिंग जोन के हिसाब से यहाँ पे छोड़ दिया गया। ऑलमोस्ट 16 मिनट लगे, 16 मिनट के अंदर ये पहुंच चुका अर्थ की लोअर ऑर्बिट में और वहाँ पे इसको छोड़ दिया गया। तो कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पे फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू यहाँ पे SpaceX ने अपने नए 53 सैटेलाइट स्टारलिंक के यहाँ पे छोड़ दिए, जिससे और भी ज़्यादा कनेक्टिविटी मिलना स्टार्ट हो गई होगी जो अमेरिका के जो कुछ पार्ट्स में यहाँ पे ऑलरेडी सर्विस यहाँ पे दे रहे हैं, भारत में बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी भी अपडेट दोस्तों स्टारलिंक की तरफ से आ रही है, स्टारलिंक अनवील्स न्यू स्मॉलर यूजर डिस्क टू कनेक्ट टू सैटेलाइट्स दोस्तों। यस, पहले जो सैटेलाइट्स आया करते थे जो डिस्क आती थी, छतरी आती थी स्टारलिंक की, जो अभी US के कुछ कुछ जगह पे वो बड़ी थी और अलग तरह की लगती थी, ऑकवर्ड सी, लेकिन अब दोस्तों नया दोस्तों यहाँ पे सैटेलाइट जो नया छतरी वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। SpaceX CEO दोस्तों इलोन मस्क सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टार अनवील अ न्यू स्मॉलर रेक्टेंगुलर दोस्तों डिस्क आपको मिलेगी, छोटी होगी पहले से, हल्की होगी, ये आपको देखने को मिलेगी। और आने वाले टाइम में दोस्तों ये जितने भी जो अपने कस्टमर होंगे उनको ये नई वाले डिस्क मिलेगी, जो हल्की भी होगी, इजी भी होगी, रेक्टेंगुलर होगी दोस्तों। वर्ड्स की रिपोर्ट दोस्तों बता रही है कि पहले से ज़्यादा पतली होगी, लाइटर होगी, उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे सर्कुलर डिस्क होगी, ये पूरी गोल डिस्क होने वाली है यहाँ पे, और उसके साथ साथ स्टारलिंक जो होगा दोस्तों यहाँ पे बीटा यूजर्स को ये देने वाला है। यस, नेक्स्ट स्टेज से दोस्तों यहाँ पे सर्विस स्टार्ट होने वाली स्टारलिंक की। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ऑलमोस्ट 12,000 सैटेलाइट दोस्तों बोलते हैं कि छोड़ेंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की बात को तो 12,000 से बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टारलिंक जो यहाँ पे छोड़ने वाला है। लेकिन फिलहाल अपडेट तो ये निकल गई है कि स्टारलिंक जो है दोस्तों यहाँ पे अपनी जो सैटेलाइट की छतरी जो आपके घर पे लगाई जाएगी, जिससे इंटरनेट ग्रैब किया जाएगा, उस नई छतरी लेके आए, छोटी है और कुछ यूनिक छतरी दोस्तों आपको यहाँ पे लग रही, पहले से डिस्क जो है उसका दोस्तों यहाँ पे डायमीटर्स यहाँ पे चेंज कर दिए गए हैं। तो ये थी दोस्तों सबसे बड़ी खबर जो आई थी सैटेलाइट इंटरनेट की तरफ से, जहाँ पे एक तरफ वन वेब दोस्तों यहाँ पे कजाकिस्तान के अंदर लोकली यहाँ पे जो सैटेलाइट है उसके कंपोनेंट बनाने वाला है, दूसरी तरफ स्टारलिंक दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट नए 53 सैटेलाइट यहाँ पे छोड़ चुका है, और स्टारलिंक ने दोस्तों अपनी जो छतरी है उसको चेंज कर दिया, उसको पूरा नया बदल दिया, सब कुछ बदल दिया है। दोस्तों मुझे बताइए आपको क्या लगता है स्टारलिंक और वन वेब और किस तरह की ये जो सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी से आपको क्या लगता है कि ये सही मायनों में क्या बेस्ट और चीपर
फाइबर ब्रॉडबैंड आपको दे सकेगी सैटेलाइट से, इनकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, क्या सक्सेस जाएगी, आपके जितने भी विचार है दोस्तों सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड के लिए मुझे नीचे कमेंट करके जो बताना। ये वीडियो को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो थम्स अप जो दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए शायद दोस्तों के साथ उन्हें डिफेंस चला गया, पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो लाल कलर का बटन है उसको जो दबा देना, उसको दबाने से आप हमारे VIP मेंबर बन जाएंगे। इसके पास देखिएगा घंटे का बटन, उसको भी जो दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो, तो प्लीज घंटे के बटन को जो दबा देना। और दोस्तों इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो करना वीडियो को, लेकिन उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करना, क्योंकि इसको फॉलो करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिए। आज कल इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ।